नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 11 मार्च गुरुवार के दिन आ रही है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। त्रयोदशी दोस्तों ऐसे भी ये वो तिथि है जिसमें आप यदि माता लक्ष्मी की जो भी सेवा पूजा करते हैं, हमेशा आपके पास धन आता रहेगा। इस तिथि में जिसका जन्म होता है वो व्यक्ति भी हमेशा धनवान होता है, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र और धन देने वाली तिथि है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक आधी मिनट के अंदर ये बता दूं कि आपको भोलेनाथ की पूजा किस तरीके से करनी है। आपको नहा धोकर के स्वच्छ हो जाना है और सुबह से लेकर के, एक्चुअली भोलेनाथ की पूजा होती है 4 पहर की। आप चाहे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे बढ़िया उनकी पूजा होती है। उसके बाद आप जब भी करेंगे, भगवान भोलेनाथ अपनी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी पूजा दोस्तों होती है 12 बजे, दोपहर को फिट 12 बजे। 12 बजे दोस्तों यदि आप चाहे तो पूरा भोग आप अपने घर में जो भी खाना खाते हैं पूरा आप बढ़िया अच्छे से खाना बनाएं, दाल चावल सब्जी पूड़ी और एक मिठाई खीर, पूरे आप थाली सजा करके शिवालय में जा करके बराबर 12 बजे शिव जी का आप भोग लगाएं। आप देखेंगे दोस्तों, जिंदगी में आप कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, हमेशा भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तीसरी पूजा दोस्तों होती है बराबर 4 बजे, मतलब कि दोपहर के बाद शाम 4 बजे। और चौथी पूजा है दोस्तों रात को 12 बजे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 4 ही समय में आप पूजाएं करें, इन बिटवीन पीरियड शिवरात्रि की सुबह से लेकर के पूरा दिन और पूरी रात में, आप काफी ऐसे लोग हैं जो शिवरात्रि की रात इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं और मंत्र सिद्ध करते हैं जो लाइफ टाइम उनका साथ देते हैं। मैं आप और भी काफी ऐसी वीडियोस अपलोड करूंगी जिसमें मैं जानकारी दूंगी कि आप शिवरात्रि की रात कौन कौन सी पूजा कर सकते हैं, दिन में भी कौन कौन सी आप ऐसी पूजा करें जिससे आपकी लाइफ के तमाम संकट दूर हो जाए, समस्याएं दूर हो और आपकी लाइफ में आपको वो मिले जो आप चाहते हैं, आप सच में सुखी हो जाए, धनी हो जाए, संपन्न हो जाए। हमेशा दोस्तों भगवान भोलेनाथ की पूजा में, और यदि किसी चीज का आप यूज ना भी करें तो एक घी का दिया अवश्य ही लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और दूध में थोड़ा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, तो गंगा जल वाला उन्हें आप जल अर्पित करें, कच्चा दूध तेल डाल करके आप उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से आपके ऊपर राहु की, मतलब कोई भी यदि महादशा है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को आप उस दिन मिश्री का प्रसाद चढ़ाए या फिर कोई भी दूध से बनी हुई आप मिठाई चढ़ाए, उससे भी भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा बरसती है और आप हमेशा पैसों को लेकर के संपन्न रहते हैं। बिली पत्र आप अवश्य ही उन्हें अर्पित करें, या तो आप उन्हें बिली पत्र की दोस्तों संख्या नक्की करना, या तो आप 1 बिली पत्र चढ़ाना या फिर 3 या 5, 7, 11, 21, 51, 108 या 1008। दोस्तों यदि आप काम तो वही करते हैं लेकिन यदि उसी काम का आप सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही अलग देखने के लिए मिलेगा। बिली पत्र हमेशा स्वच्छ, बिल्कुल कटे फटे ना हो ऐसे अखंडित, और बिल्कुल जो उनकी जो लास्ट में जो लकड़ी होती है थोड़ी सी उसे तोड़ दे, जैसे कि आप किसी को परोस रहे हैं, वो चीज दे रहे हैं, जो उसका चिकना भाग है वो आपको नीचे की तरफ रखना है और ऊपरी सतह ऊपर की ओर रखनी है। जब आप बिली पत्र चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ का मंत्र बोले ओम नमः शिवाय, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहार में क बिल्वम शिवार्पण। कुछ लोग त्रिजन्म बोलते, कुछ लोग शब्द जन्म भी बोल देते हैं, ये अपनी अपनी श्रद्धा पर है, आपको जो उचित लगे आप बोले। लेकिन यदि आप सिर्फ 1 बिली पत्र भी इस मंत्र को बोल करके चढ़ाते हैं दोस्तों, आपके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। और शिवरात्रि के दिन तो आप अवश्य, ज्यादा नहीं तो 1 बिली पत्र तो आप उन्हें अवश्य ही अर्पित करें। यदि पॉसिबल हो तो कमल का पुष्प अवश्य ही आप उन्हें अर्पित करें। मेरी पूरी जिंदगी हो गई दोस्तों, हमेशा हमेशा मैंने
भोलेनाथ की पूजा कमल के पुष्पों से ही की है। और आप सबको भी बोलती हूँ कि भोलेनाथ को हमेशा कमल का पुष्प आप अर्पित करें। कभी दोस्तों आपके जीवन में धन का अभाव नहीं रहेगा। बीली पत्र को यदि आप घी में डुबो करके और उसके बाद आप शिव जी को अर्पित करते हैं, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा, ठीक है। और ये जो मैं आपको आज जो चीजें बता रही हूँ दोस्तों, आपको ये पांच चीजें चाहे आप दिन में करें या आप रात को करें, जब भी करते हैं पूजा, ये पांच चीजें आपको एक घंटे के अंदर थोड़ी थोड़ी देर में चढ़ा देनी है। ऐसा करने से दोस्तों पूरी जिंदगी आप पैसों में खेलेंगे, भगवान भोलेनाथ की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। चार प्रहर जो मैंने आपको पूजा के बताए हैं, इसमें से कोई भी एक प्रहर में आप इस पूजा को कर सकते हैं। आप सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने बैठे शिवालय में जाएं, जा करके वहां पर घी का दिया लगाएं, धूप बत्ती लगाएं या अगरबत्ती जला दें। उसके बाद आप गंगा जल मिश्रित जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। कच्चा दूध, काले तिल डाल करके और मिश्री मिला करके आप उन्हें अर्पित करें। उसके बाद में फिर से आप थोड़ा सा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। ये सब कुछ करते हुए आपको कंटिन्यू ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है, ठीक है। उसके बाद आप चंदन का उन्हें तिलक लगाएं। ये तीन उंगलियां दोस्तों, जैसे किसी कटोरी वगैरह में हाथ में आप चंदन को घोल लें और तीन उंगलियों को उसमें लगाएं और आप उन्हें इन तीनों उंगलियों से तिलक कर दें त्रिपुटी। और उसके बाद दोस्तों आप जो बिली पत्र लेकर के गए हो, तो जैसे मैंने बताया है इस तरीके से आप बिली पत्र उन्हें अर्पित करें। उसके बाद में आपके पास जो भी फूल हो, धतूरा हो, आंकड़े का पुष्प हो, गुलाब, बया, पारिजात, इनमें से कोई भी पुष्प, कमल का पुष्प, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो उन्हें आप अवश्य ही अर्पित करें। केवड़ा और केतकी का पुष्प और तुलसी बिल्कुल भी आप उन्हें अर्पित ना करें। हल्दी बिल्कुल भी आप उन्हें अर्पित ना करें। कुमकुम बिल्कुल भी ना चढ़े। वैसे मैं एक और भी दोस्तों वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें बताऊंगी कि आपको उनकी पूजा में कौन कौन सी चीजें, कुछ चीजों का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीजों को आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके बाद यदि आपको लघु रुद्री आती है तो लघु रुद्री बोलते हुए ये पांच चीजें आपको अर्पित करनी है। पहले आप एक चीज अर्पित करें कोई भी, जैसे कि आपको सबसे पहले लेना है घी। जो पांच चीजें हैं मैं आपको बता दूं, वो है घी, दूध, दही, शहद और शक्कर। ये पांच चीजें आपको वहीं पर रख देनी है और आप घी उठाते हैं और कंटिन्यू या तो आप ओम नमः शिवाय 108 बार धीरे धीरे बोलते जाए और घी थोड़ा 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 भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें, या फिर लघु रुद्री बोलते हुए आप भगवान भोलेनाथ को ये घी अर्पित कर दें, ठीक है। लघु रुद्री दोस्तों ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशुनाम पते नित्य उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मगधनाय नमस्ते मगधातिने कुमारम शक्तिहस्तम। ये जो है ये पूरा इसके 11 श्लोक आते हैं जो आपको लघु रुद्री बोलनी है, ठीक है। बोलते हुए आप घी अर्पित कर दें। एक आप लघु रुद्री बोलते हैं उसी में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आप जिस किसी भी चीज से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें वो चीज कम से कम, जैसे कि आप पुष्प लेते हैं, पुष्प से आपको लघु रुद्री करनी है तो आप 11 पुष्प लें और उनको चढ़ाते हुए आप लघु रुद्री का पाठ करें। जो फूल चढ़ाएंगे हर फूल का एक अलग ही महत्व है और उसका एक अलग ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि गुलाब का पुष्प चढ़ाते हैं 11 गुलाब के पुष्प आप चढ़ाए और लघु रुद्री बोले, आपको आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। जमीन, मकान, ऐसी कोई भी जो 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 आपके वॉन्ट्स हैं इन चीजों से जुड़ी हुई वो तमाम पूरी हो जाती है। तो आपको लघु रुद्री बोलते हुए सबसे पहले घी अर्पित करें, फिर आप वहां से उठ जाए। कुछ देर के बाद, समझो कि 10 मिनट के बाद आप फिर से वहां आए
दिए को कंप्लीट आप जलने दें, दिया ना बुझने पाए। उसके बाद में, और यदि बुझ भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, जब आप दूसरी बार आते हैं फिर से जला लें। उसके बाद आप दूध ले लें और दूध को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हुए, जैसे मैंने बोला है 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोले या फिर लघु रुद्री बोले, दूध अर्पित कर दें। फिर से आप नमन करके खड़े हो जाएं। मतलब एक घंटे के अंदर अंदर आपको ये पांचों चीजें चढ़ा देनी है, सारी चीजें आपको एक घंटे के अंदर चढ़ानी है। मैं फिर से बता दूं, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, हर चीज को आप चढ़ा दें। उसके बाद में जब पांचवी चीज आप भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, उसके बाद फिर से थोड़ा सा जल उन्हें अर्पित करें, थोड़ा सा चंदन उन्हें अर्पित करें, एक पुष्प चढ़ा दें, थोड़े से अक्षत चावल चढ़ा दें, उनकी आरती उतार लें और बस आप उन्हें प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें और जो आपको मांगना है आप मांगें। इन पांच चीजों को यदि आप अर्पित करते हैं दोस्तों, आपकी लाइफ में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा सा उपाय है। बस एक घंटा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं चढ़ानी है, एक एक करके आपको ये सारी चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी है। तो दोस्तों आप इस पूजा को करके देखें और देखें क्या रिजल्ट आता है, चमत्कार आप खुद देखेंगे। करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।